सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मास्टर जी को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप पा सकें सिक्योर नोटों की जानकारियां सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, काफी समय से सोशल मीडिया और यूट्यूब की कुछ वीडियोस में इन 5 रुपए के हिरन वाले नोटों के कीमती होने के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कोई बोलता है कि अगर आपके पास 5 रुपए का 5 हिरन वाला नोट है तो आपको मिलेंगे 20 लाख रुपए, और वहीं अगर आपके पास 5 रुपए का 7 हिरन वाला नोट है तो आपको 50 लाख या 1 करोड़ भी मिल सकते हैं। और पिछले ही दिनों यूट्यूब पर मैंने एक ऐसी ही वीडियो देखी जिसमें 4 हिरन वाले नोटों की कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच में बताई जा रही थी। तो मैं आप लोगों को अभी से बता दूं कि 5 रुपए का 5 और 7 हिरन वाला नोट कभी भी RBI ने जारी ही नहीं किया है, और ऐसे सारे ही नोट फेक है जिन पर 5 और 7 हिरन बने हुए हैं। और इन नोटों की ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अभी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इन 4 हिरन वाले नोटों की, तो ऐसे नोट हमारे देश में 70 और 60 के दशक में चलाए गए थे, और इनमें ऐसे 2 तरह के नोट जारी हुए थे जिनके पीछे 4 हिरन बने हुए थे। तो क्या इनमें कोई ऐसा भी नोट है जो आप लोगों को सच में लखपति बना सकता है? या फिर अगर आप लोग इन नोटों की सही कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों के 5 रुपए के इन 4 हिरन वाले नोटों से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में बने हुए उस घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, 5 रुपए के ऐसे हिरन वाले नोट ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही चलना शुरू हो गए थे, और इन नोटों से जुड़ी हुई ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग इन नोटों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इनके बाद हमारे आजाद भारत के जो पहले 5 रुपए के नोट बनाए गए थे उन पर भी 3 और 6 हिरन बने होते थे, और इन नोटों की भी पूरी जानकारी आप लोगों को मेरी आने वाली किसी अगली वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 5 रुपए के 4 हिरन वाले नोटों की। तो इस डिजाइन में जो नोट सबसे पहले जारी किया गया था वो था ये नोट जिस पर पीसी भट्टाचार्य जी के सिग्नेचर थे, और इस तरह के नोटों को डायमंड इश्यू नोट बोला जाता है, और वो बोला जाता है इस नोट के फॉन्ट के डिजाइन की वजह से। तो इस नोट को 2 अलग अलग गवर्नर्स के टाइम पे जारी किया गया था, जिनमें पहले थे पीसी भट्टाचार्य और दूसरे थे एलके झा। और इस तरह का पहला नोट जारी हुआ था 17 अप्रैल 1968 को पीसी भट्टाचार्य जी के समय में। तो इस नोट पर आप लोग देखेंगे तो इस पर हिंदी का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में हुआ है, और ज्यादातर चीजें आप लोगों को अंग्रेजी में ही लिखी हुई दिखाई देंगी। तो इस नोट के सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर ऊपर अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है, और उसके नीचे लिखा है 5 रुपीज, और इसके नीचे 5 अंकों में डायमंड डिजाइन में बना हुआ है, और उसके नीचे है गवर्नर के सिग्नेचर। बाईं तरफ देखें तो इस पर इसकी वाटर मार्क विंडो बनी हुई है जिसके अंदर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है, और इसके दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी अशोक स्तंभ का चित्र ही बनाया गया है, और इसके नीचे है इसका सीरियल नंबर। तो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर बीच में बने हुए हैं 4 हिरन, और साथ ही इस तरफ 13 भाषाओं में 5 रुपए लिखे हुए हैं। तो ऐसे नोट नॉर्मल सीरियल नंबर के साथ UNC कंडीशन में आप लोगों को मिल सकते हैं 200 रुपए से 300 रुपए तक। लेकिन अगर ऐसे नोटों के सीरियल नंबर भी फैंसी हों, जैसे कि 786 या सेम नंबर वाले नोट, तो ऐसे नोटों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे नोट अगर आपके पास बंडल्स में हैं तो भी उनकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। तो इनके बाद जो 4 हिरन वाले नोट जारी हुए थे वो थे एस जगन्नाथन के सिग्नेचर के साथ। तो इन नोटों के डिजाइन में पिछले नोट के मुकाबले थोड़े बहुत फर्क किए गए थे, जिनमें पहला फर्क ये था कि इन नोटों में हिंदी भाषा को काफी ज्यादा जगह मिली थी, और गवर्नर के सिग्नेचर भी हिंदी भाषा में किए गए थे। साथ ही इस पे अंकों में लिखे गए इस 5 को बदल कर व्हाइट कलर में कर दिया गया था, और पीछे की तरफ देखे तो इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी में लिखा गया था जो कि पिछले नोटों में अंग्रेजी में था, और नीचे की तरफ इस पर भी 4 हिरन बने हुए थे, लेकिन बाकी का डिजाइन लगभग पिछले नोट के ही जैसा था। तो एस जगन्नाथन के टाइम पर ऐसे 3 तरह के नोट जारी हुए थे, जिनमें पहले थे वो नोट जिन पर गलत उर्दू का प्रयोग किया गया था, और इसके सेकंड इशू में उर्दू भाषा में लिखे हुए 5 रुपए को सही कर दिया गया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इशू के नोटों को बिना इंसर्ट के जारी किया गया था, यानी कि इनके सीरियल नंबर के पीछे कोई भी अल्फाबेट नहीं बना हुआ था, और थर्ड इशू के जो नोट थे उनको ए इंसर्ट के साथ जारी किया गया था। तो कीमत की बात की जाए तो बिना किसी फैंसी सीरियल नंबर के साथ ऐसे नोट आप लोगों को UNC कंडीशन में दिला सकते हैं 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फैंसी सीरियल नंबर वाले नोटों की कीमत नॉर्मल सीरियल नंबर वाले नोटों से ज्यादा होती है, और ऐसे नोटों के बंडल्स भी काफी रेयर हो चुके हैं, इसीलिए उनकी भी काफी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। और हाँ, जिन वीडियोस में इन नोटों की कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच में बताई जा रही वो सभी वीडियोस फेक हैं, और ऐसी सभी वीडियोस का मकसद आप लोगों को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि इस तरह के बंडल्स भी आप लोगों को बिना किसी फैंसी सीरियल नंबर के साथ लाखों में नहीं दिला सकते। तो अगर आपको मेरी बात सही लगे
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख पाए उन वीडियोस को सबसे पहले। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटों और सिक्कों से जुड़ी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।